वक्त मैं शाहराए दस्तूर के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे अपने आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म हाउस है, जिसके बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। फिलहाल जो इत्तला मिली थी उसके मुताबिक जो है वो 1800 पुलिस अहलकार जो हैं वो तैनात हैं। इसके अलावा CTD, ATS और उसके अलावा हसास इदारे के जो अहलकार हैं वो भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। ECP का जो सामने वाला हिस्सा है, मैं अभी आपको दिखाता चलूँ साथ साथ, उसको खारदार तारों और पुलिस की नफरी जो है उससे जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। उसका दाखिली रास्ता बिल्कुल बंद है। इसके अलावा इसी सड़क को जो है जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, इस तरफ से टू वे कर दिया गया है। एक तरफ से ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, जबकि ECP के सामने वाली जो सड़क है उसको खारदार तार लगा के बंद कर दिया गया है आम ट्रैफिक के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो SP और DSP मौके पर मौजूद हैं, जो ट्रैफिक की बहाली और सिक्योरिटी के जो हालात हैं उसको देखने के लिए जो है वो मौके पर मौजूद हैं। मीडिया कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN के वर्कर्स, जमीयत के जो वर्कर्स हैं वो भी मौजूद हैं मौके के ऊपर, जो अपने कारकुनान को जो है वो बलवलाने के लिए, जोश बलवलाने के लिए जो है वो वक्तन फ़क्तन जो है नारे भी लगा रहे हैं। आपको अगर मेरा कैमरा मैन दिखाएँ तो ये इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल सामने जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की नफरी ने जो है वो बंद किया हुआ है, उसको दाखिली रस्ते को वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए हुए हैं और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम हैं। जी।